सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के आदेश के अनुसार नए बस स्टैंड पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा संदिग्ध एवं युवा जो बगैर नंबर की गाड़ियां बगैर हेलमेट के 3 सवारियों के साथ चलने वालों के चालान काटे तथा साथ ही जो व्यक्ति संगठित नजर आया उसकी तलाशी लेते हुए कागजों को देखते हुए छोड़ दिया गया। जनपद मथुरा के ब्लॉक बलदेव में बाल विकास परियोजना कार्यालय आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3G ट्रेनिंग आयोजित की गई, जिसमें ब्लॉक क्षेत्र की 80 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 4 बच्चों के माध्यम से ट्रेनिंग दी गई। आपको बता दें कि प्रत्येक बैच में 20 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को सम्मिलित किया गया है। बाल विकास परियोजना अधिकारी सुमन लता ने जानकारी देते हुए बताया कि बाल विकास परियोजना के तहत चलाए जाने वाली योजनाओं को कैसे साकार का रूप दिया जाए, यह आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को ट्रेनिंग के माध्यम से समझाया जा रहा है। बाल विकास परियोजना प्रभारी सुमन लता ने बताया कि विभाग द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं का कैसे लाभ ले सकें, उसके लिए सार्वजनिक गतिविधियों को किस तरह अंजाम दिया जाए। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मॉडल 2 और मोदी की मीटिंग संपन्न करा दी गई है। आजपुर की मॉडल 3 की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसमें आंगनवाड़ियों को बता रहे हैं कि जो योजना चल रही है हमारी अन्न प्राशन, लाडली दिवस, गोद भराई, इनमें सामुदायिक एक्टिविटी हम कैसे करें और उनको हम इन योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त करा सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी हो और वो अपने बच्चों के संबंध में उन जानकारियों का ध्यान रखें, जिससे हमारे गांव में की कुपोषण कम हो। तो इसके कितने का प्रशिक्षण कैसे कैसे चलता है? एक दिन का प्रशिक्षण है, 20-20 बैच की आंगनवाड़ियों को हम बुलाते हैं। एक मॉड्यूल में हमारे मेरे अंडर में 80 आंगनवाड़ी हैं, तो 80 की 20-20 के 4 दिन लगातार मॉड्यूल 3 की होगी, मॉड्यूल 2 की हो चुकी, मॉड्यूल 1 की